आटे का हलवा। आटे का हलवा बनाने के लिए हमें आटा चाहिए, चीनी चाहिए, देसी घी चाहिए और कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए। तीनों का अनुपात सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जितना आटा उतनी चीनी और उतना ही घी होना चाहिए। साथ में रखेंगे हम दुगना पानी। अब इसकी मैं आपको विधि बताती हूँ। इसमें एक कढ़ाई में आटा डालिए, ये मैंने 1 चम्मच आटा लिया है, और उसमें डालिए बराबर का देसी घी, यानी 1 चम्मच देसी घी। देसी घी को डालकर हम भून लेते हैं। पहले इसे तेज़ गैस पर रखेंगे और भूनेंगे। जब घी मेल्ट हो जाएगा, इसको सिम करके हम भूनते रहेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसको भूनते रहिए और बहुत अच्छे से भूनना चाहिए। घी छोड़ना शुरू कर दे तो समझो तैयार, भुन गया है, सही तरीके से भुन गया है। ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और इसको भूनते रहिए। अब आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें घी छोड़ना शुरू कर दिया है, कलर अच्छा सा आ गया। अब इसमें हमने चीनी मिला दी है और साथ में पानी। अब इसको चलाते रहेंगे और चलाते चलाते ये गाढ़ा होने लगेगा, थिक हो जाएगा और कढ़ाई पे से ये बिल्कुल हटने लगेगा, बिल्कुल चिपकेगा नहीं। यही इसकी पहचान है कि अगर ये कढ़ाई पे चिपकता है तो समझो कहीं से कच्चा रह गया। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट मिक्स कर दिए हैं और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको सर्व करती हूँ एक बाउल में। ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लग रहा है। आप भी ये बनाकर देखिए। कुछ नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी। और अगर आपको पसंद आया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए।